एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आप दोनों की आज की एनर्जीज़ लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आप दोनों की आज की एनर्जीज़ कैसे रहने वाली हैं। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय मेरे भाई। सबसे पहले जितने भी नए सब्सक्राइबर्स डेली इस चैनल से जुड़ते हैं उन्हें मैं बताना चाहती हूँ कि ये रीडिंग डेली मॉर्निंग में आती है। इस रीडिंग में हमेशा राइट साइड में आपकी एनर्जीज होंगी, लेफ्ट साइड में आपके पर्सन की, और अगर आप सिंगल हैं तो सिर्फ राइट साइड की एनर्जी को फॉलो कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हर हर महादेव। सो ये है गाइस आपकी एनर्जी और ये आपके पर्सन की। आपकी तरफ फर्स्ट कार्ड पेज ऑफ कॉइंस, देन वी हैव सेवन ऑफ वॉन्ड्स, देन वी हैव फाइव ऑफ सोर्ड्स, द हर्मिट, नाइन ऑफ कॉइंस, थ्री ऑफ कप्स। ओवरऑल एनर्जी है द मैजिशियन। तो गाइज ओवरऑल एनर्जी जो निकल कर आई है, वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स विद द मैजिशियन। आप में से कुछ लोगों का रिश्ता बहुत बुरी तरह से डैमेज्ड हुआ है, बहुत बुरी तरह से। आपने बहुत प्यार किया है अपने पर्सन को, अनकंडीशनली आपने मोहब्बत दी है अपने पार्टनर को, लेकिन उनकी तरफ से आपको धोखा मिला है। आपको जैसे कह दिया हो कि बुरी तरह से इन्होंने छली छली किया है, डुबा दिया है एक तरीके से। आपको ऐसा लग रहा है कि इस मुश्किल से उबरना बहुत मुश्किल होगा आपके लिए। अभी भी आपको ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं आप में से कई लोग कि सब ख़त्म हो गया। बहुत सारे व्यूवर्स तो ऐसे हैं जो अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि वो वापस आ जाए, स्पाई कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनको खोजने की कोशिश कर रहे हैं कि वो उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, किस सिचुएशन में है, क्या कोई ऐसी स्टोरी या स्टेटस या कुछ भी ऐसा पता चल जाए जिससे आपको ये एक सुकून मिल जाए कि वो ठीक हैं और वो आपको अभी भी याद करती हैं या करते हैं। तो आप वापस लाना चाहते हैं उन्हें, आपको ऐसा लग रहा है कि जो होना था वो तो हो गया बट काश कि सिचुएशन ठीक हो जाए। ये बहुत सारे लोगों के मन में आज के दिन में नज़र आ रहा है। इसके अलावा वी हैव नाइन ऑफ कॉइंस विद थ्री ऑफ कप्स। कुछ लोगों को पैसों से रिलेटेड कोई सेलिब्रेशन आज के दिन में है, जैसे किसी की गवर्नमेंट जॉब लग जाए और उनके पिता या माता उनके लिए पार्टी दे दें, या किसी की जैसे होता है ना कोई खुशी का माहौल है और उसके लिए सेलिब्रेट किया जाए, प्रमोशन हो जाए किसी की तो उन्होंने पार्टी दे दी अपने दोस्तों को या अपने घर वालों को, या नया घर ले लिया है तो पार्टी दे दी। कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि शो किया जा रहा है, सेलिब्रेट किया जा रहा है। समथिंग इज़ वेरी गुड टुडे। लाइक अगर आपका बर्थडे है या आपके घर में किसी का बर्थडे है तो यहाँ पर सेलिब्रेशन है, जैसे आप लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। ज़्यादातर कुछ लोगों के लिए मुझे यही एनर्जी पिक हो रही है, जैसे उनकी सरकारी नौकरी लग गई है या उनका बिजनेस बहुत सक्सेसफुल हुआ है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट हाथ लगा है जिसको आप अपनों के साथ इन्जॉय करना चाहते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों के लिए आज का दिन फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। नौकरी नहीं है, नौकरी लग सकती है, इंटरव्यू क्लियर कर सकते हैं, कोई एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, रिजल्ट्स आपके फेवर में आ सकते हैं, विदेश जाना चाहते हैं तो हो सकता है आपका वीज़ा आ जाए। तो इस तरह की गुड न्यूज़ आज दिख रही है। अगर आप में से कुछ लोगों को स्टैंड लेना था किसी सिचुएशन में तो आप स्टैंड ले सकते हैं, मतलब जैसे सारी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, आपको ही निर्णय लेना है, स्पेशली लव लाइफ हो या आपकी मैरिड लाइफ हो। तो यहाँ पर कुछ लोग स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं, खुद के लिए, अपनी लाइफ के लिए, अपने लाइफ को लेकर कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीजंस के लिए। इसके अलावा अगर हम नेगेटिव एनर्जीज़ की बात करें तो आज के दिन कुछ लोगों के बच्चों की तबीयत ख़राब हो सकती है। अगर आपके घर में कोई बच्चे हैं, आपके घर में, हर घर में बच्चे होते हैं, चाची के, चाचा के, आपके भाई बहन या छोटे भाई बहन, या घर में अगर आपके बच्चे हैं किसी भी तरीके से, तो तबीयत आज थोड़ी उनकी ख़राब हो सकती है। तो थोड़ा सा आप लोग अपने बच्चों का ध्यान दें। इसके अलावा
कुछ लोगों के साथ ये हो सकता है, जैसे कि या तो रिसेंटली आपका किसी से बहुत भयंकर लड़ाई हुआ है, या आज के दिन किसी से इतनी बुरी तरह से आपका झगड़ा हो जाएगा जिसके बाद आप बिल्कुल आइसोलेटेड फील करोगे, एकदम अलोन। आपको ऐसा लगेगा कि आपका कोई नहीं है, आप बिल्कुल इस धरती पर अकेले हैं, कुछ भी आपको अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत लोअर वाइब्रेशंस में आप हो सकते हैं। तो ये फुल मून के जस्ट बाद की एनर्जी है, तो मे बी ये इफ़ेक्ट्स आपको एक दो दिन दिखेंगे। आपके पर्सन की तरफ फर्स्ट कार्ड वी हैव एस ऑफ वांड्स, देन वी हैव द टावर, देन वी हैव टू ऑफ सोर्ड्स, देन वी हैव द लवर्स, टेन ऑफ कप्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स। ओवरऑल एनर्जी है द एम्परर। एम्परर के साथ वी हैव जस्टिस, टू मेजर अरकाना विद सिक्स ऑफ कप्स। ऐसा लग रहा है बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनका, जैसे कि मैंने देखा आपके साइड में आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं उस व्यक्ति को जो आपके लाइफ से दूर जा चुकी है या दूर जा चुका है, इनकी एनर्जी में भी यही है। जो रिश्ता ख़त्म हो चुका है कम्प्लीटली, ये उस रिश्ते में न्याय करना चाहते हैं, मिस कर रहे हैं। काफ़ी लोगों के एक्स पार्टनर वापस आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके साथ जो मेमोरीज़ हैं उसको रिकॉल कर रहे हैं, इन्हें याद आ रहे हैं वो सभी पल जो इन्होंने आपके साथ स्पेंड किए हैं, चाहे स्कूल में, कॉलेज में, सेम ऑफिस रहा हो, जो भी आपकी मेमोरीज़ रही हैं। साथ ही साथ इस टाइम पीरियड में ये बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव डिसीजंस ले सकते हैं, न्याय संगत डिसीजंस, जस्टिस ओरिएंटेड हैं। जो भी होगा इनकी मनमर्जी से होगा और जो राइट है वही होगा अकॉर्डिंग टू योर पर्सन। काफ़ी लोगों की मैरिड लाइफ डिस्टर्ब नज़र आ रही है। अगर आपके पार्टनर मैरिड हैं और आपका इनके साथ अफेयर है, और ये किसी ऐसे मैरिज में है जो कि टॉक्सिक है, जहाँ पर ये खुश नहीं है, तो यहाँ पे धोखा मिला है, या तो इन्होंने धोखा दिया है, इनके घर पर पता चल गया है, या तो इनकी जो पार्टनर हैं उन्होंने इनका दिल दुखा दिया है, किसी तरह से हार्ट टेक एंड लॉस की एनर्जी है। अगर आपके पार्टनर मैरिड नहीं हैं, सिंगल हैं, तो यहाँ पर फैमिली सिचुएशंस हो सकती हैं, बिकॉज़ वी हैव टेन ऑफ कप्स कम्प्लीशन। तो यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर को ऐसा भी रियलाइज़ हो रहा है कि शादी नहीं हो पाएगी, शादी में व्यवधान है, ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं अपनी मनमर्जी से, फैमिली नहीं मान रही, डिस्ट्रक्शन नज़र आ रहा है। अगर ये फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे तो हो सकता है कि थर्ड पार्टी के चक्कर में आपको हर्ट कर दें, आपको कुछ ऐसा बोल दें कि यार मेरी फैमिली मानेगी तो ही मैं शादी कर पाऊँगी या कर पाऊँगा, जिससे आपको तकलीफ़ हो, जबकि आपसे प्यार बहुत करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपके लिए लव नहीं है, इमोशंस नहीं है, या आपको धोखा दे रहे हैं, नहीं। ये इस समय बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग वाली वाइब्स में है। एक तरफ आप हैं, एक तरफ कोई ऐसी सिचुएशन है जो बहुत स्टबर्न है। दूसरी चीज़ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नो कॉन्टैक्ट में हो सकते हैं। आपके पर्सन आपको मैसेज तो करेंगे और बहुत रोमांटिक कन्वर्सेशंस आप दोनों के बीच में हो सकती हैं, बिकॉज एस ऑफ वांड्स वी हैव लवर्स टुगेदर। तो ये जो एनर्जी है ये डिवाइन यूनियंस को भी दर्शा रही है। बहुत सारे लोगों की लाइफ से कार्मिक पार्टनर्स रिलीज हो सकते हैं, या कोई कार्मिक सिचुएशन थी जिसके कारण बातचीत बंद थी, तो वो सिचुएशन से बाहर आ सकती हैं आपके पार्टनर, या बाहर आ सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों के पर्सन के लिए आज का दिन कोई बैड न्यूज़ रिसीव हो सकती है। ये बैड न्यूज़ किस तरीके की होगी ये तो मैटर अलग अलग है, बट जैसे कोई धोखा मिल जाए या कोई ऐसी खबर मिल जाए जिससे कि दिल टूट जाए, इस तरह की एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रही हैं। सो ये थी गाइस अभी इस वक्त आप दोनों की आज की एनर्जीज़। इसके बाद मिलते हैं एस्ट्रो विद एम सिंह में मैसेजेस के साथ, और उसके बाद आएंगे इस चैनल पे करंट फीलिंग्स नेक्स्ट एक्शन के साथ। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।